हालेलुया प्रेज लॉर्ड, मैं एंजल मसीह एक बार फिर से प्रभु यीशु की दया से आप सबके बीच में हूँ और आज मैं बहुत ही एक खास टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जा रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है एसाव की भूख और आज हमारी भूख। तो हम उसे रिलेट करेंगे कि किस प्रकार से एसाव ने अपनी भूख के कारण अपने पहलौठेपन को बेच दिया। जब आप पुराने नियम में स्टडी करेंगे बाइबल से तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने एसाव को पहलौठा बनाया, लेकिन उसको भूख लगी, उसने अपनी भूख के कारण अपने पहलौठेपन को बेच डाला। आज सेम वैसे ही हम करते हैं, लेकिन आज हमारी भूख क्या है? आज हमारी भूख है हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं। हम आज अपनी एक छोटे सी उस वक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए, हम अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए आज हम अपने आप को बेच देते हैं शैतान के हाथों में और हम ये नहीं समझ पाते। एग्जाम्पल, हमारे बीच में लालच आ जाता है, हम अपने उस काम को निकालने के लिए, लालच को पूरा करने के लिए हम एक मिनट के अंदर पाप कर डालते हैं। शैतान हमारे दिमाग के अंदर व्यभिचार लेकर आता है, हम भूल जाते हैं, हम उस कुछ वक्त के लिए, उस टाइम के लिए हम व्यभिचार कर अपने आप को शैतान के हाथों में बेच डालते हैं। किस प्रकार से आज जिस तरह से एसाव ने अपनी एक टाइम की भूख को मिटाने के लिए उसने अपने आप का पहलौठापन बेच डाला, आज वैसे ही हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन को शैतान के हाथों में बेच डालते हैं। हम बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है अपनी लाइफ के लिए, हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, हम बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, परमेश्वर ने हमें जिंदगी में कितनी आशीषों को दिया है, वो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। मेरे साथ पढ़ेंगे याकूब उसका 14 उसका 15, हम स्टडी करेंगे किस प्रकार से वो अभिलाषाएं हमारे जीवन में आती है। यस, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से, फर्स्ट पॉइंट, खींचकर, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम खींच जाते हैं उनकी तरफ। आगे, अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर और उसके बाद उसमें फंस जाते हैं। फर्स्टली हम अपनी अभिलाषाओं में खींचते हैं, उसके बाद हम उसमें फंस जाते हैं। नेक्स्ट, परीक्षा में पढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद हम क्या होते हैं, परीक्षा में पड़ जाते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, उसके बाद वो अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं, पाप को जन्मती हैं, पाप को जन्म देती हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम एक छोटी सी अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए हम एक बड़ी परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से निकाल देते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम कभी भी पापी बने। जिस प्रकार से एसाव ने अपनी एक टाइम की भूख को मिटाने के लिए उसने अपना पहलौठापन दे दिया, ऐसे ही हम अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पाप में गिर जाते हैं। आगे, और पाप जब बढ़ जाता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसा अगर हम रोमियो उसका 6 उसका 23 में पढ़ेंगे, पाप की मजदूरी मौत है। और जब हम एसाव की कहानी को पूरा देखेंगे, उसके बाद वो रोया, चिल्लाया, उसने बहुत यत्न किए, लेकिन इतना परिश्रम करने के बाद भी उसको उसका पहलौठापन वापस नहीं मिला। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। आपके जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना हो जाएं, आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन आप अपने जीवन में पाप को आने का अवसर मत दें। आप किसी भी चीज को छोटा मत समझें, आप ये मत समझे कि ये छोटी सी चीज है। आप अपने जीवन को शैतान के हाथों में मत बेच डालें। वो परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, वो हमारा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो आपको हर मुश्किलों में से निकाल देगा। आपको अपनी समझ का सहारा लेने के लिए आपको अभिलाषाओं में गिरने की जरूरत नहीं है, अभिलाषाओं से खींचकर आपको पाप में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर आज, कल और युगान युग हमारे साथ है। किसी भी छोटी सी चीज के लिए आप अपने आप को मत दें, किसी भी पाप को आप छोटा मत समझें, वो परमेश्वर आपको विजयी देने वाला परमेश्वर है। सो आज मैं आपको बताना चाहती हूं, जिस प्रकार एसाव ने अपनी भूख के कारण अपना पहलौठापन दे दिया, प्लीज आज हमारे जीवन की कितनी भी आवश्यकताएं क्यों ना हो, लेकिन उसमें आप खिंचकर पाप में ना गिरे, परमेश्वर को समझें, वो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू।